दिल्ली अप टू डेट। टीम इंडिया की रिपब्लिक डे के दिन ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले 26 जनवरी 2019 को भारत ने माउंट मांगोई में खेले गए वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराया था। सीमित प्रारूपों की बात करें तो यह भारत की 26 जनवरी के दिन तीसरी जीत है। गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस दिन 1986 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भारत को 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। फिर 26 जनवरी 2000 को एडिलेड वनडे में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 152 रनों से हराया था, जबकि इसी दिन 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे बेनतीजा रहा था। इसके बाद 2019 में 26 जनवरी को माउंट मांगानुई में भारत ने न्यूजीलैंड को वनडे में 90 रनों से हराया था। टी20 इंटरनेशनल में भारत ने 26 जनवरी 2016 को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को 37 रनों से हराया था। अगले साल 2017 26 जनवरी को टीम इंडिया कानपुर में इंग्लैंड से 7 विकेट से हार गई थी। और अब साल 2020 में रिपब्लिक डे पर भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 इंटरनेशनल में 7 विकेट से हरा दिया है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे 26 जनवरी 1986 ऑस्ट्रेलिया 36 रनों से जीता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा टी20 मुकाबला 29 जनवरी को हैमिल्टन के सेडान पार्क में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारत अगर ये मैच जीत लेता है तो फिर वह न्यूजीलैंड में पहली बार कोई टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतकर इतिहास रच देगा।